नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। पीटीआई टीचर्स का समर्थन करने के लिए अभी यहां पर जो है सर कर्मचारी के प्रधान यहां पर पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि देश भर में हो रहे, हरियाणा प्रदेश में हो रहे, लेकिन उनका क्या कहना है। सुभाष लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सरगुजा सिंह हरियाणा। आज जो आप पीटीआई के अंदर समर्थन देने के लिए, किस प्रकार का कहना क्या है? सबसे पहले तो मैं सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो हमारे बर्खास्त पीटीआई हैं, जो दो महीने से ज़्यादा आंदोलन चलाए हुए अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के, उनका समर्थन करते हैं। दूसरा, अभी 23 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए एक परीक्षा कंडक्ट की थी और हिसार में ही आपको मालूम है कि वो पेपर उसका लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है उसके बाद ही आंसर की तैयार हुई है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि वो पेपर लीक होने के बाद में उस परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने जो इसकी निष्पक्षता से जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ये बयान दिया है कि ये नकल का मामला है, पेपर लीक का मामला नहीं है। तो आपके चैनलों के मार्फत से मैं पूछ रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ है तो ही तो आंसर की तैयार हुई है। आप इस बात को कैसे कह रहे हो? आपने ये कह करके उस जो जाँच चल रही है उसको प्रभावित करने का निश्चित तौर से कोशिश की है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि जो 1983 पीटीआई हमारे हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं है। और केवल वो जो पब्लिक नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैं ये आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जो क्राइटेरिया तय किया था उसका सभी जो हमारे अभ्यर्थी थे, सभी ने उसका फ़ायदा या नुकसान सभी को मिला है। इसके अलावा बर्खास्त पीटीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली हुई है, लेकिन अभी उसका अंतिम निर्णय आया नहीं है। उससे पहले ही आपने भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया, ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और अब निश्चित तौर से आज इसी टाइम पर जो सोमवीर सांगवान जी हैं, विधायक हैं दादरी से, उन्होंने जींद में 18 जुलाई को जन पंचायत में ये कहा था कि अगर 1983 पीटीआई बहाल नहीं होंगे तो मैं सरकार से समर्थन वापस लेकर के आपके बीच में आ जाऊंगा। तो आज उसके आवास पर प्रदर्शन हो रहा है ये पूछने के लिए कि 1983 पीटीआई बहाल नहीं हुए तो आप सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे। और कल जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन होगा और ये मांग की जाएगी कि इस पेपर को रद्द करो और जांच करो सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। और 8 तारीख को, 8 सितंबर को पूरा प्रदेश का बर्खास्त पीटीआई प्लस उनके परिवार प्लस अन्य विभागों के कर्मचारी जो उनको समर्थन कर रहे हैं, तो सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर 11 तारीख से होडल, नांगल चौधरी, डबवाड़ी और कालका से ये जत्थे चलाने स्टार्ट होंगे और सभी गाँव में, शहरों में, कस्बों में जनसभाएं करते हुए हरियाणा सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, पब्लिक सेक्टर विरोधी, प्रदेश विरोधी नीतियों के पोल खोलते हुए और जनता के बीच में जाकर के बताएंगे कि बर्खास्त पीटीआई का क्या कसूर था। कसूर बर्खास्त पीटीआई का नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार की डायरेक्शन पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दिया कि आपने कहा कि हमारे पास कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। 29 जनवरी 2020 को जो हलफनामा दिया उसके हिसाब से आपने कहा कोई पोस्ट नहीं है, जबकि जनवरी 2020 में जो आरटीआई से सूचना आपने प्राप्त की, 1612 पोस्ट वैकेंट होते हुए आपने गलत जानकारी वहां दी, उसके बाद में डिसीजन आया। तो हम इन सारी नीतियों की पोल खोलते हुए 23 तारीख को शहीदी दिवस के मौके पर गोहाणा में एक बड़ी हमारी जनपंचायत होगी, उसके खिलाफ फिर अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, मतलब जंतर मंतर की पोजीशन जो हो रही है, हिसार में आप देख रहे हो, फरीदाबाद में, मतलब सभी जगह इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो सरकार ये जो लफाजी बात करते हैं या ध्रुवीकरण की जो बात करते हैं, अब वो टाइम चला गया है। अब हम सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा इन सारे मुद्दों को जोड़ते हुए, कच्चे कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन का सवाल है, पुरानी पेंशन की बहाली का सवाल है, जो निजीकरण किया जा रहा है, कोरोना की आड़ में
आप सारे विभागों का निजीकरण किए जा रहे हो, चाहे रोडवेज है, चाहे बिजली है, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे ONGC है, HPGCL है, ये सारे के सारे, रेलवे है, एयरपोर्ट है, प्लेटफार्म है, रेलवे स्टेशन है, रेल है, मतलब सबको आप निजीकरण कर रहे हो। तो ये कोरोना की आड़ में जो आप कर रहे हो इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन सारे मुद्दों को समाहित करते हुए एक मांग पत्र हम तैयार कर रहे हैं, जिसको सारे विभागों के कर्मचारी, बाहर के किसान, मजदूर, छात्र एकता को बढ़ा करके सरकार की नीतियों के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। सरकार आपकी नहीं मानती है तो आप बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या करोगे? नहीं, बड़ौदा उपचुनाव के लिए कोई हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हम निश्चित तौर से बड़ौदा की जनता के बीच में जाएंगे, गांव में जाएंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे। सरकार की नीतियों की पोल खोल लगे, अपना दुखड़ा रोएंगे कि सरकार ने हमारे साथ ये कर रही है। और कोरोना की जहाँ तक बात है, मतलब जब 564 केस थे, 24 मार्च को पूरा देश बंद कर दिया, आज 30 लाख कोई पार करके आज पूरा देश खोल दिया, मतलब ये जो अर्थव्यवस्था है, मेरा आरोप ये है कि ताड़ाबंदी और नोटबंदी ने इस अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई और भुखमरी लगातार बढ़ रही है, इसके बावजूद भी सरकार फील गुड का एहसास करवाने का प्रयास कर रही है। जब पेट में रोटी नहीं है तो चोटी खड़ी करके भारत माता की जय नहीं बोलती। ये जो भारत माता आज यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग, ये है असली भारत माता जो सरकार को कोस रहे हैं। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए, बर्खास्त PTI के जो उसको बहाल करने का रास्ता सरकार को निकलना चाहिए। किसान जो 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं, या जो आज यहाँ जो मुआवजे को लेकर के किसान लड़ रहे हैं, उनकी मांगों का, समस्याओं का समाधान करें, पर्याप्त तौर पर उनका गिरदावरी करा करके मुआवजा देने की बात करें। इस आंदोलन को भी सरगुम जय सिंह हरियाणा सपोर्ट करता है। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।